दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक रहस्य देखने को मिलते हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा और आप सन रह जाएंगे कि आखिर यह कौन सी तकनीक है जिससे हर साल बर्फ उसी जगह पर जमकर एक शिवलिंग का आकार ले लेती है। अमरनाथ के पवित्र गुफा में हर सावन में बर्फ से शिवलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह गुफा हिंदुओं के अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में हर कोई यहां आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहता है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले किसने की? यदि नहीं तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अमरनाथ गुफा के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ गुफा श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तगणों का ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान अगर एक बार इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक चलती है। पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। इस पवित्र गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ ही बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। गुफाओं में शिव के प्रतीक हिमलिंग के साथ ही दो और हिमलिंग भी बनते हैं जिन्हें पार्वती और गणेश का प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस गुफा की खोज सबसे पहले किसने की। बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान गडरिये ने इस अमरनाथ गुफा की खोज की थी। ऐसी मान्यता है कि बकरी चराते वक्त एक दिन वह गडरिया काफी दूर निकल गया। इस कारण वह जंगल में पहुंच गया और रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने के कारण वह एक सुनसान और वीरान स्थान पर जाकर बैठ गया। तभी एक साधु वहां पर आया और उसने उसे कोयले से भरा हुआ एक बैग दे दिया और उसे सही रास्ता बता दिया। बूटा ने घर पहुंचकर जब वह बैग खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कोयला सोने के सिक्कों के रूप में बदल गया था। इसके बाद बूटा उस साधु का धन्यवाद करने के लिए वहां पर पहुंचा तो उसे वह साधु वहां नहीं मिला। उसे वहां एक गुफा दिखाई दी। बूटा मलिक ने जब उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमकता हुआ दिखाई दिया। कहते हैं इसके बाद से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर क्यों अमरनाथ मंदिर और इसकी यात्रा खास है और गुफा में मौजूद कबूतरों का क्या रहस्य है। पौराणिक कथाओं की माने तो बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर और अमर हैं और आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का क्या रहस्य है। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाशते हुए वह माता पार्वती को लेकर एक गुप्त जगह की तलाश में आगे बढ़ते चले गए।
महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छोटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहाँ से अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे चलने पर शिवजी जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृतों की कहानी सुनाने के लिए वीरान इलाके में मौजूद इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनाने के दौरान लगातार आवाजें निकाल रहा था, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती कहानी सुन रही है। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। जब शिव की दृष्टि कबूतर पर पड़ी तो वह काफी क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए वह आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अमरनाथ गुफा को पुरातत्व वाले 5000 साल पुराना मानते हैं, यानी कि महाभारत काल में भी ये गुफा मौजूद रही होगी। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले गुफा थी तो क्या उससे पहले ये गुफा नहीं थी? हिमालय के पहाड़ों को लाखों साल पुराना माना जाता है, इसलिए गुफा बनाई गई होगी तो हिमयुग के दौरान ही आज से 13000 साल पहले बनाई गई होगी। दोस्तों, इस पावन पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ जाने के बाद इंसान के सारे पाप और सारे दुख मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद उस इंसान को स्वर्ग में जगह मिलती है। दोस्तों, अगर आपने भी अमरनाथ की यात्रा की है तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।